दिस इज दौलत चौहान फ्रॉम साउथ मुंबई और ये दौलत चौहान है साउथ मुंबई से. He attends the Vow services regularly from the last 3 years. और पिछले 3 सालों से नियंत्रित रूप से ये वाव सभा में भाग लेते हैं. He has 2 testimonies. इनकी 2 गवाहियां हैं. One of his daughter who is 14 years. और इनकी एक बेटी जो 14 साल की है. Suddenly felt dizzy. अचानक से उसे चक्कर आने लगी. The doctors diagnosed her with high blood sugar and she had to take insulin injections every 2 hours to control the levels. और डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ऊंचे रक्त का शुगर है और उन्हें हर 2 घंटे में शुगर के स्तर को कंट्रोल करने के लिए उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे. He participated in the 21 day prayer and fasting. और इन्होंने 21 दिनों के प्रार्थना और उपवास में भाग लिया. And also anointed his daughter with the oil prayed by Pastor Michael every morning and night. और इनके बेटे को अभिषेकित किया उस तेल के द्वारा जो पास्टर माइकल द्वारा प्रार्थना किया गया था हर दिन और रात लगाते थे. He now testifies that after this the blood sugar has been rapidly restored with permissible levels from 550 to 150. और वो गवाही देते हैं कि इस उपवास में भाग लेने के बाद वो रक्त स्तर जो है वो नीचे आ गया है जो 550 और 150 के बीच में आ चुका है. His second testimony. इनकी दूसरी गवाही है. His huge sum of money amounting to rupees 9.5 lakh was stuck in the bank for 2 years. और ये कहते हैं कि इनके 2 साल से इनके बैंक में 9.5 लाख रुपए इनके बैंक में अटके हुए थे. As the bank had been sealed under insolvency and bankruptcy. और जो बैंक है उसे सील किया गया था शोध अक्षमता के कारण और दिवालियापन के कारण. He made a vow in faith to sow in the Oasis project for his money to be released. इन्होंने विश्वास से एक वाचा बांधी कि वो अपने पैसों के छूटने के बाद Oasis के परियोजना में बीज बोएंगे. And also participated in the 21 day prayer and fasting. और 21 दिनों के उपवास और प्रार्थना में भी उन्होंने भाग लिया. He now testifies that 80% of his money has been released. और वो गवाही देते कि उनके पैसों का 80% अब वो छूट चुका है. He gives all glory to Jesus and thanks Pastor Michael and KSM Church. वो सारी महिमा यीशु को देते हैं और पास्टर माइकल और केएसएम की कलीसिया का धन्यवाद कहते हैं.